एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे सामने एक परिणाम ये है कि यदि आधार एक ही हो और समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच जो समानांतर चतुर्भुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। और एक और चीज़ आपने देखी थी कि एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच यदि एक समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज की रचना की जाती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये दो परिणाम आपने देख लिए हैं। इन्हीं दोनों परिणामों की मदद से हम ये देखने जा रहे हैं कि यदि कोई दो त्रिभुज हैं जिनका आधार एक ही है और जो समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच निर्मित हैं क्या उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए, आपके सामने ये दो चित्र बने हुए हैं, दो आकृतियां बनी हुई हैं। अब इस पहली आकृति को देखें, यहाँ आपको एक त्रिभुज ए बी सी दिखाई पड़ेगा और एक त्रिभुज डी बी सी दिखाई पड़ेगा। ये दोनों ही त्रिभुज एक ही आधार बी सी पर निर्मित है और समानांतर रेखाएं ए डी और बी सी का एक जोड़ा जो है उनके बीच में ही दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। इसे दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज की ऊंचाइयां भी एक समान हैं। तो क्या इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, ये हमें देखना है। अब हम कुछ रचनाएं करेंगे। आप देखिए, यही फिगर फिर यहाँ पर से दोबारा बना हुआ है। ये मूल जो आकृतियाँ हैं त्रिभुजों की वो भी यहाँ पर हैं और हमने कुछ रचनाएँ की हैं। जैसे आप देख रहे हैं सी ई की रचना हुई है वो ए बी के समानांतर है। पहला त्रिभुज जो ए बी सी है उसकी भुजा ए बी के समानांतर सी ई की रचना की गई है और दूसरे त्रिभुज डी बी सी की भुजा डी सी के समानांतर एक और रचना की गई है एफ बी की। और इस तरह से अब जो आकृति आपके पास आपके सामने दिखाई पड़ रही है उसमें दो त्रिभुज तो हैं ही, लेकिन उन त्रिभुजों के साथ साथ दो समानांतर चतुर्भुज भी आपको बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। समानांतर चतुर्भुज एफ बी सी डी, आप ये देखिए मेरे उंगली के साथ साथ, ये एक समानांतर चतुर्भुज बन रहा है और एक समानांतर चतुर्भुज और है जो त्रिभुज ए बी सी के साथ है, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी ई, ये दो समानांतर चतुर्भुज बन रहे हैं यहाँ पर। अब आप सोच के देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमको इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में बात करनी है और हमारे पास दो परिणाम पहले से हैं जो त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बीच संबंध दिखाते हैं। तो इसमें आगे हम जो काम करेंगे उसे मैं पहले आपके सामने रखना चाहूँगा कि त्रिभुज ए बी सी जो आप देख रहे हैं इसी आधार पर हमने एक और समानांतर चतुर्भुज ए बी सी ई की रचना की है। आप देख रहे हैं कि जैसा हमने पिछले वाले प्रमेय में किया था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक इसी तरह से त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज डी एफ बी सी के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो ये दोनों त्रिभुज जो है उनके लिए आपने दो समानांतर चतुर्भुजों की रचना की और दोनों के लिए कहा कि इनके क्षेत्रफल क्रमशः उन चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के आधे हैं। और एक परिणाम आपको जो सबसे पहले मिला था वो ये कि समानांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है यदि वो एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के जोड़ों के बीच बने हैं। तो इस बात का आधार बनाकर हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल की तुलना करेंगे। ये पूरी बातों का सार हुआ जो अभी हम करने जा रहे हैं। चलिए इसको लिख के देखते हैं। हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी और उससे संबंधित समानांतर चतुर्भुज ए बी सी ई की बात करेंगे। तो इस पूरी आकृति में आप देखिए समानांतर चतुर्भुज, इसे मैं संक्षेप में लिखता हूँ, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी ई, ए बी सी ई में आप देखिए ऐसी विकर्ण है और इस विकर्ण के कारण एक त्रिभुज ए बी सी की रचना हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का ये बराबर होगा एक बटे दो गुणित क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज ए बी सी ई का, ए बी सी ई। ये बात आपको स्पष्ट हो गई।
और बिल्कुल इसी तरह से आप कह सकते हैं ये त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज डीबीसी, देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज डीबीसी है, इसका क्षेत्रफल इस समानांतर चतुर्भुज से संबंधित है। तो अब आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं समानांतर चतुर्भुज एफ बी सी डी में, आप लिख लें यहाँ पर समांतर चतुर्भुज एफ बी सी डी में, एफ बी सी डी में बी डी विकर्ण है और ये इस त्रिभुज को, इस समानांतर चतुर्भुज के आधे हिस्से में प्रदर्शित करता है। तो त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर आप लिख सकते हैं एक बटे दो गुणित क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज एफ बी सी डी, एफ बी सी डी का। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूँगा, एक आप देख रहे हैं जिसकी दो भुजाएं लाल स्याही से बनी हुई हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इस समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है और त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल इस समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। इसी बात को हमने गणितीय रूप से यहाँ पर लिखा है। और आप ये भी जानते हैं कि ये समानांतर चतुर्भुज दोनों समानांतर चतुर्भुज आधार बी सी पर निर्मित है और समानांतर रेखा एफ ई और बी सी के बीच निर्मित है, इसलिए इन दोनों समानांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं इन दोनों चतुर्भुजों के बारे में समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का नाम है ए बी सी एफ का क्षेत्रफल, या चतुर्भुज बना दे, बराबर है क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज एफ बी सी डी के, एफ बी सी डी के। और यदि आप इनका आधा कर दें तो एक बटे दो गुणित क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज ए बी सी ई, ए बी सी ई बराबर एक बटे दो क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज एफ बी सी डी, एफ बी सी डी, एफ बी सी डी। अब इन दोनों के मान आप यहाँ से ले लें जो आपने अभी लिखे हैं कि ए बी सी क्षेत्रफल का आधा, इसकी जगह पर आप क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का लिख सकते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर एक बटे दो क्षेत्रफल एफ बी सी डी, एक बटे दो क्षेत्रफल एफ बी सी डी बराबर आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी का, क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी का। तो आप देखिए जरा इनको चित्र में कहाँ पर है, ये क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी, डी बी सी का क्षेत्रफल। आप देख रहे हैं कि हम जहाँ से चले थे फिर से हम उन त्रिभुजों की बात कर रहे हैं और ये दोनों त्रिभुज जो एक ही आधार बी सी पर है और समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच बने हुए हैं, इनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक परिणाम है जो हमें बताता है कि यदि दो त्रिभुज या दो से अधिक त्रिभुज, आप जितने चाहे उतने त्रिभुज बना लें, लेकिन सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन सभी का आधार एक ही होना चाहिए और समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच त्रिभुज बने हो तो उन सभी के क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर होते हैं। प्रमेय 10.7, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और उसकी संगत ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है।